और भाई यहाँ का हाल देखो, और सबसे फास्टेस्ट शताब्दी भी यही है। अंदर पब्लिक भी थोड़ी पैनिक हो रही है, नॉर्थ इंडिया फॉग से भरा हुआ लग रहा है। श्योर की कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये फाइनली 150 टच करी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल मैं हूँ इस वक्त नई दिल्ली पे, और नई दिल्ली का हाल देखो भाई साहब, इतना ख़तरनाक हो चुका है। तो फिलहाल हम लोग आज ट्रैवल करने वाले नई दिल्ली से रानी कमलापति के बीच चलने वाली पहली शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये इंडिया की फास्टेस्ट शताब्दी भी है और लॉन्गेस्ट शताब्दी भी है। फिलहाल अंदर चलने से पहले देखो ये नई दिल्ली स्टेशन, और भाई यहाँ का हाल देखो, फॉग देखो कितना ज़्यादा है। आज वक्त हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे, और ये हाल है। अब मुझे डर है कि कहीं ट्रेन लेट ना हो, तो सबसे पहले चलते हैं अंदर। हमारी ट्रेन का टाइम जो है 6:10 का है, 20 मिनट बचे हमारी ट्रेन के लिए। चलो चलते हैं अंदर। और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इतना फॉग लगा हुआ है, बहुत ठंड का, बहुत ज़्यादा ठंडी है। बाकी सुबह के टाइम पे नई दिल्ली से ज़्यादातर प्रीमियम ट्रेन ही डिपार्ट होती है, सारी वंदे भारत निकल जाती है यहाँ से, शताब्दी वगैरह निकलती है। अरे वो यहाँ पर नीचे खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये कटरा वंदे भारत है। ये रही हमारी ट्रेन नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी C3। आज अपना कोच है C2 हमारी ट्रेन, और ये रहा कोच। चलिए चलते हैं अंदर। अरे बाप रे, तो बहुत गर्दी है अंदर। तरीके का शताब्दी का इंटीरियर है, ये देखो यार 2x3 का सीटिंग है, अरेंजमेंट है। बाकी यहाँ पर खाने पीने के लिए टेबल है, बॉटल होल्डर है, न्यूज़पेपर रखने के लिए है, प्लस इसके अलावा स्पेस भी अच्छी खासी दी है, फुटरेस्ट तक पैर आराम से पहुँचते हैं। तो ठीक ही है, इतना साफ नहीं है, बट सीटिंग पोस्चर जो है वो बहुत अच्छा है। तो लीजिए ठीक अपने समय पर 6 अपनी ट्रेन रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर ले रही है। और ये फॉग में जर्नी कैसी रहेगी आप लोग देखते रहिए। सामने खड़ा है डीजल लोको WDP 4D। आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा ठीक से फॉग में। तो आइए आप लोगों को भोपाल शताब्दी का वॉशरूम भी दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ वॉशरूम है, काफ़ी साफ सुथरा है, पानी वगैरह, अरे पानी तो आ ही नहीं रहे। बाकी हैंड वॉश है जो कि थोड़ा सा टूटा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये भी पता नहीं अब चल रहा है या नहीं, क्योंकि वो खुशबू तो कुछ आ नहीं रही वैसे। बाकी ऐसा जिस तरीके का वॉशरूम है, वॉशरूम की बात करूँ तो ठीक ठाक ही है, पानी तो आप लोगों ने देखा, अरे आ गया ये रहा करके पानी आया है। दिल्ली से ट्रेन चलते ही हमें चाय वगैरह सर्व कर दी गई है। तो ये यहाँ पर ये एक बिस्किट दिया है, मैरी बिस्किट, उसके अलावा चाय बनाने की पूरी सामग्री है, ये टी बैग है, पाउडर है, शुगर है। मेरी शताब्दी में आज भी वही टी बैग वाला ही हिसाब किताब चल रहा है। फॉग का आलम देखो यार, क्या ज़बरदस्त फॉग है, पूरा नॉर्थ इंडिया फॉग से भरा हुआ लग रहा है आज। वक्त हो रहा है कितना, 7:10, और अभी भी फॉग वैसा का वैसा ही है। इस फॉग के चलते कई सारी ट्रेनें लेट हो रही है, कैमरे पे भी फॉग आ रहा है। बाकी शताब्दी की बात करूँ तो आज से कुछ 100 साल से ज़्यादा हो गया है शताब्दी को चले हुए,
और जो पहली शताब्दी चलाई गई थी वो भी थी यही शताब्दी जो कि चली थी नई दिल्ली से भोपाल के बीच में। आप पहले झांसी के बीच में चला करती थी, फिर उसे भोपाल किया और अब रानी कमलापति तक एक्सटेंड किया हुआ है। और सबसे फास्टेस्ट शताब्दी भी यही है शताब्दी जो कि है नई दिल्ली भोपाल शताब्दी, रानी कमलापति शताब्दी सबसे फास्टेस्ट, क्योंकि आगे जाके ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। अब ये फॉग इतना ज़्यादा है तो बोल नहीं सकते कि इतनी फास्ट चलेगी या नहीं, बट इसकी स्पीड एक्चुअली उसको दिया है उतनी ज़्यादा। की बात करूँ तो अगर आप ट्रैवल करते हो एंड टू एंड नई दिल्ली से पूरा रानी कमलापति तक तो आपको पे करने पड़ेंगे इसी चेयर के लगभग 1600 रुपये के करीब, और 2400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करते हो। तो इसमें दो ही क्लास है, दो एग्जीक्यूटिव क्लास के कोचेस हैं जो कि एकदम आगे लगे हैं लोगों के पास, और उसके अलावा बाकी आई थिंक 15 या 16 चेयर कार है। इस शताब्दी में हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं लगभग 702 किलोमीटर का, और इसे तय करने में हमें लगेगा लगभग 8 घंटे करीब। और टोटल हॉल्ट की बात करूँ तो टोटल 8 हॉल्ट है इसके, ठंडी के मारे बोला भी नहीं जा रहा है। ओके, तो पहला जो हॉल्ट आएगा, अभी पहला स्टेशन जो आएगा वो आएगा मथुरा, फिर उसके बाद में आएगा आगरा कैंट, और उसके बाद धौलपुर, आगे आगे आते जाएंगे, फिर झांसी आएगा, ऐसे ही स्टेशन आते जाएंगे। तो जैसे जैसे स्टेशन आएगा मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, बिकॉज वॉक की वजह से अभी हमारी ट्रेन लगभग 40 मिनट डिले चल रही है। यहाँ पर इसकी स्पीड 130 प्लस होनी चाहिए थी, बट अभी आई थिंक मेरे ख्याल से 80-90 के बीच में चल रही है इसकी। मुझे निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से हम पहुँचे हैं हमारे अगले स्टेशन मथुरा पे, और यहाँ पर भाई हमारा अराइवल था 7:20 का, और अभी हम पहुँचे हैं 9:20 पर, 2 घंटा डिले। और मथुरा में ना सबसे पहले अपने एक काम है यार, यहाँ से पेड़े लेने थे, लेकिन यहाँ पर दुकानें तो दिख ही नहीं रही है यार, सारी की सारी दुकानें बंद है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 ही मिनट का हॉल्ट है, फटाफट में तो देखना है कि अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, लेकिन आगे कहीं दुकान ही नहीं दिख रही है। तो फाइनली 2 मिनट ट्रेन रुकने के बाद मथुरा से डिपार्चर ले रही है। आप लोगों को कुछ दिख तो नहीं रहा होगा, आई एम श्योर कि कुछ नहीं दिख रहा होगा, अलग ही कहर धाया हुआ है यहाँ पर फॉग ने। नहीं पता कि ये ट्रेन कैसे चला रहे होंगे ये लोको पायलट, बट बाहर दिख रहे हो ना, और ऊपर से ट्रेन चल रही है, हवा चल रही है, हाथ एकदम फ्रीज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर तो देखना बनता है यहाँ का। फिलहाल 12 डिग्री चल रहा है यहाँ पे इस वक्त, और फॉग हाथ को है ना एकदम फ्रीज कर देंगे, जमा देंगे बर्फ की तरह। पता नहीं लोग दफ्तर वगैरह कैसे जाते होंगे यहाँ से, सुबह उठ के ऑफिस जाना मतलब यार कैसा कितना मुश्किल काम है। ऐसे में सुबह उठना और ऐसे फॉग में अपने ऑफिस जाना, और ऑफिस तो छोड़ो मैं तो सोचता हूँ यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे यार इतनी फॉग में, उनको तो उनकी भी तो ज़्यादा रिस्क है। मेरे को तो लगता नहीं ये सब टाइम पर कोई स्कूल जाता रहेगा, बच्चे स्कूल की छुट्टी हो जाती होगी ऑफिशियली। बहुत लेट चल रहा है, उम्मीद करता हूँ आगे जाके फॉग कम होगा और हम थोड़ा सा शायद टाइम कवर कर पाए, बिकॉज मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है वहाँ से भोपाल से, अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुँचे तो मेरी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाएगी। अब मसला ये हो गया कि जितने भी पैसेंजर अंदर बैठे हैं वो सब नाश्ते के इंतज़ार में, और नाश्ता जो सब होता है वो होता है आगरा के बाद में। अब तक जब तक आगरा नहीं आएगा नाश्ता बोर्ड नहीं होगा, लोगों को नाश्ता मिलेगा नहीं। अंदर पब्लिक भी थोड़ी पैनिक हो रही है, थोड़ा चिल्लम चिल्ली चालू है क्या नाश्ता दो। अब सर्विस करने वाले भी कहाँ से नाश्ता देंगे जब नाश्ता चढ़ेगा या आगरा से चढ़ने वाला है।
ना इनके पास प्लेट है ना कुछ है देने के लिए, कुछ नहीं सर्व कर सकते हम लोग। मैंने बोला था ना फास्टेस्ट शताब्दी, स्पीड देखो यार जबरदस्त स्पीड। मैं इसको खोलूंगा ना तो अंदर सब उड़ जाएगा यार, इन लोगों बेचारे लोग का सामान रखा हुआ है तो मैं दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हमारे रूट के सेकंड स्टेशन आगरा कैंट पे। यहाँ पर हम पहुंचे हैं 3 घंटा 35 मिनट लेट। अब यहाँ तो हमें आना चाहिए था सुबह 7:30 बजे के आसपास ही, बट ठीक है अभी क्या करेंगे, ये टाइम पे हमें ग्वालियर में होना चाहिए था बट अभी तक हम यहीं हैं। क्या करेंगे, फॉगी इतना ज़्यादा है तो कुछ नहीं कर सकते थे, लोको पायलट जैसा तैसा चढ़ा रहे। अभी यहाँ पर भी काफ़ी पब्लिक उतरी है, काफ़ी लोग यहाँ पर उतरे हैं आगरा कैंट। अभी आगरा तो आप लोगों को पता ही है कि किस चीज़ के लिए फेमस है, वो है ताजमहल के लिए। इसके पहले मैंने गतिमान में मैं आया था तो मैंने आप लोगों को आगरा दिखाया था, ताजमहल भी दिखाया था। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ पर अभी ट्रे वगैरह सब चढ़ेंगे, खाना अभी इसके बाद हमें नाश्ता वगैरह सर्व किया जाएगा। ये रहा कुछ इस तरीके का आगरा कैंट, सब ताजमहल वाले लोग यहीं पर उतर गए ताजमहल देखने। हॉल्ट तो था 5 मिनट का, बस 3 ही मिनट में हमारी ट्रेन आगरा कैंट से डिपार्चर ले ली है। अब क्योंकि ऑलरेडी 3.5 घंटा लेट है हमारी ट्रेन, तो अब फाइनली अब जाके यहाँ पर सूरत दादा का दर्शन हो रहे हैं अपने को। यहाँ पर अब जाके थोड़ी सूरत धूप खिली है, अब जाके ज़रा धूप खिली है, अच्छा लग रहा है थोड़ा धूप में खड़े। ये देखो ये भाई साहब क्या है, इतना काम बजा रहे उधर बैठ। वैसे आगरा में हमारा सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट था, मैं सोचा था आगरा का पेटा वगैरह ले लूँगा, लेकिन यार आगे का कोच रखना तो यही दिक्कत हो जाती है। अब मुझे मिला आगे का तीसरा कोच है, अब कैसे लेने का यार, आगे कोई तो आगे कोई दुकान ही नहीं होती है, सारी दुकानें होती है मिडल कोच के आसपास में। अब मैं भाग के जाऊँ और लूँ तब तक तो ट्रेन भी निकल गई, मतलब यार मतलब अगर आप शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हो ना तो ये छोड़ उम्मीद छोड़ दो कि आप नीचे उतर के कुछ खरीद सकते हो। सुनील जी भाई फाइनली हमारा नाश्ता आ गया। नाश्ता को जिस तरीके से सर्व किया है ये पेपर प्लेट के अंदर, इसके लिए इतना इंतज़ार किया जा रहा था, वो ट्रे वाला सिस्टम ही बंद हो गया लगता है। तो ये कुछ नाश्ते में दिया है, ये ब्राउन ब्रेड है, ये बटर दिया है, इसके अलावा यहाँ पर नॉनवेज मैंने ऑप्शन में सिलेक्ट किया था तो जाहिर है इसमें अंडा होगा। इसमें यहाँ पर ये ना अंडा है और थोड़े बहुत अंदर मटर लगे हुए, पूरा का पूरा ऐसे ही रखेंगे। ब्रेड जो है फ्रेश नहीं लग रहा है, थोड़ा पुराना लग रहा है, बाकी अंडा तो गर्म है। तो अभी नाश्ता ख़त्म होते ही फिर हम लोग को ये एक मैंगो कौन सा जूस दिया, मैंगो ड्रिंक दिया, पता नहीं यार कौन सी कंपनी का देते यार, मेनिया गोल्ड, पता नहीं कितनी ली सही है, कितना हाइजीन है नहीं है। लीजिए हम आप पहुँचे हमारे रूट के तीसरे स्टेशन ढोलपुर पे। यहाँ पर हम पहुँचे हैं लगभग 3 घंटा 50 मिनट डिले। अब ये ढोलपुर जो आता है ये आता है राजस्थान में, और हमारी रूट का एकमात्र स्टेट राजस्थान स्टेट का स्टेशन, जिस तरीके का स्टेशन है ढोलपुर हमारी रूट के अंदर आने वाला राजस्थान का एक ही स्टेशन है। इसके पहले हम लोग थे उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य, अभी आगे हम लोग राजस्थान में, और इसके बाद हम लोग एंटर कर देंगे मध्य प्रदेश में।
निर्धारित समय से 4 घंटे की देरी से हम पहुँच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन ग्वालियर में। यहाँ पर हमारा अराइवल था 9:30 का और हम पहुँचे हैं 1:00 कितना हो रहा है 35 मिनट, ठीक 4 घंटा देरी से आए। अब यहाँ से अपना खाना बोर्ड होने वाला है और लंच वगैरह भी यहीं पर ही साफ हो गया अपने को। ये रहा ग्वालियर स्टेशन। खाना आ रहा है यहाँ से। आ गया खाना। ठीक 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन ग्वालियर से डिपार्चर लेती है। अब यहाँ से अपना सब खाना वगैरह बोर्ड हो गया है, देखते हैं खाना कैसा है। नाश्ते में तो इतना मज़ा नहीं था, वैरायटी वगैरह मुझे उससे लगा ही कुछ कम थी। खाना देखते हैं ग्वालियर। जबरदस्त कर्व आ रहा है, बैक टू बैक हमारी ट्रेन या तो राइट में कर्व ले रही है तो लेफ्ट में ले रही है। चौड़ी ट्रेन है अपनी। निर्धारित समय से 4 घंटा 16 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन तेलंगाना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन। यहाँ पर भाई अभी यहाँ पहुँचते तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरी आगे की गाड़ी फॉर श्योर छूटने वाली है। इसके पीछे आ रही है पंजाब मेल, अभी देखता हूँ ये अगर मुझे मिल गई तो यही पकड़ लूँगा इसके पीछे वाली ट्रेन। पानी 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन झांसी स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। बाकी यहाँ भी खाने पीने की चीज़ें वगैरह तो मिल ही जाएगी। यहाँ पर बड़ा स्टेशन है, बड़ा जंक्शन है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा यहाँ पर क्राउड रहता है। चलिए अभी हमारा लंच सर्व हो गया तो अभी चलते हैं लंच करते हैं और दिखाते हैं कि लंच में क्या है और कैसा है। ये था अपना आज का लंच और लंच में यहाँ पर ये है दाल, इसके अलावा यहाँ पर ये पनीर ग्रेवी 7-8 पीस है पनीर के, यहाँ पर राइस और उसके अलावा 3 चपाती, यहाँ पर एक है अचार दिया है, मैंने सलाद मिसिंग है, दही मिसिंग है, दही मैं मंगा लूँगा ला के दे देंगे क्योंकि मैंने देखा है दही दे रहे थे वो लोग। पहले पनीर ट्राई करते हैं, टेस्ट तो बढ़िया है यार, दाल उससे बढ़िया, लेकिन दाल का प्रॉब्लम है दाल एकदम ठंडी है, ऐसा लग रहा है फ्रीज में से निकाल के दे, इतनी ठंडी है। पनीर की सब्जी थोड़ी गर्म है। ऐसी तेज़ रफ्तार चलती हुई ट्रेन में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। खाना ख़त्म करने के बाद ये वेनिला की आइसक्रीम दिया है हमें।
560 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकेंड लास्ट स्टेशन बीना जंक्शन पे। यहाँ पर हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है और हम पहुंचे हैं 4.5 घंटा लेट। ये रहा बीना जंक्शन स्टेशन, यहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी है, खाली है, 4.5 घंटा लेट पहुंची है। चलो यहाँ से भी हमारा डिपार्चर हो गया। अब जो बचा है भोपाल स्टेशन, भोपाल और रानी कमलापति ये ऑलमोस्ट सेम ही है, 10 मिनट का फासला है। सो आज की जो हमारी जर्नी है वो सिर्फ रहेगी भोपाल तक ही, मैं रानी कमलापति तक नहीं जाऊँगा बिकॉज मेरी कनेक्टिंग ट्रेन थी जो भोपाल की थी जो कि छूट गई है, और भोपाल से दूसरी ट्रेन का मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, रानी कमलापति में थोड़ा ऑप्शन कम है, तो मैं भोपाल ही उतर जाऊँगा आज। बाकी अब थोड़ा सर का दर्द है अभी कि ट्रेन छूट गई है, अब दूसरी ट्रेन कैसे मैनेज करना है वो देखना पड़ेगा। अभी ज़बरदस्त एक्सेलरेशन देखो, WFE5 का ज़बरदस्त एक्सेलरेशन देखो अभी धीरे धीरे। WAG9 ऑटोमोबाइल कैरियर, वक्त हो रहा है 6:30, हमारी ट्रेन पूरे 4 घंटा लेट पहुंची है यहाँ पे और मेरी कनेक्टिंग ट्रेन तो गई है। अभी मैं ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ट्रेन में एंड करता हूँ बिकॉज उतर के मुझे ना दूसरी ट्रेन का बंदोबस्त करना है और उसके लिए फिर मुझे टाइम लगेगा, उतर चढ़ भागम भागी करनी पड़ेगी क्योंकि इसके पीछे एक अंत्योदय आ रही है जो कि छपरा से मुंबई के बीच में चलती है। ट्राई करूँगा वो पकड़ने की, अगर वो मिल जाती है तो, या तो फिर देखेंगे कुछ और। तो ठीक है, तो मैं ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, बस अभी भोपाल आने ही वाला है, दो तीन मिनट में आ जाएगा भोपाल। ट्रेन ऑलरेडी स्लो हो चुकी है, यहाँ पे भोपाल के आउटर पे आ गई है। ठीक है, तो वो होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को पता है आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और बस अगले वीडियो का इंतज़ार करना। और इस जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी और जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। चलिए बस अभी भोपाल थोड़ी देर में आता ही होगा, बस हम लोग ऑलमोस्ट आउटर पे ही है, आगे स्टेशन आता ही होगा, बस दिख तो रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं और बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे एक अगले वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अहमदाबाद बरौनी